हेलो एवरीवन, वेलकम इन योर ओन चैनल। सो आज का जो मेरा टॉपिक है ये कंटिन्यूअस टॉपिक है। टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी, ठीक है। सो उसमें हम आई और रोमन एक्टिव मोड फाइंड आउट कर रहे हैं वेरियस कैरेक्टर टेबल के। तो मैंने आपको इसके पहले C2V और C3V कैरेक्टर टेबल को डिस्कस किया था। आज बहुत रेयर वीडियो में बनाने जा रहा हूँ D3H कैरेक्टर टेबल का, ठीक है। D3H कैरेक्टर टेबल के हम आई और रोमन एक्टिव मोड फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेशन काफी अच्छा है और इंटरेस्टिंग भी है। थोड़ा सा आप ध्यान से इसके कैलकुलेशन को देखिएगा क्योंकि इसमें थोड़े मिस्टेक होने के चांस आपको बने रहते हैं हमेशा, क्योंकि थोड़ा सा वास्ट कैलकुलेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं। ये D3H कैरेक्टर टेबल है। कैरेक्टर टेबल में देखिए आप इसका ऑर्डर निकाल लीजिए। सबसे पहले 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो मैंने यहाँ पर इसका ऑर्डर 12 लिख दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी एक दो नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि पर्टिकुलर कैरेक्टर टेबल दे दी जाती है और पूछा जाता है उसका ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर आपको निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी आपके सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं उसका जो कोएफिशिएंट होते हैं आप उसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। दैट इज द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप। D3H कैरेक्टर टेबल का एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो एग्जाम्पल में हम BF3 देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ये BF3 का मॉलिक्यूल है और BF3 D3H पॉइंट ग्रुप को क्यों बिलोंग करता है इसके लिए अलग से एक वीडियो बनानी होगी, क्योंकि अभी समय कम है और MSc के एग्जाम्स काफी नजदीक आ गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो जो बेसिक वीडियो है वो बेसिक वीडियो के लिए मैं हो सकता है बाद में कभी वीडियो लेकर शूट करूँ। ये भी बिल्कुल सबसे कॉन्क्रीट वीडियो है। ये ग्रुप थ्योरी की बात करें तो सबसे लास्ट टॉपिक है ग्रुप थ्योरी का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो BF3 अगर ये कैरेक्टर टेबल BF3 कोई मॉलिक्यूल है जिसका कैरेक्टर टेबल D3H है, तो उस पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, आई और रोमन एक्टिव मोड निकालने के लिए हमको फाइंड आउट करना होगा। क्या मैं अगर पहला का लेक्चर देखा होगा आपने तो पहले मैंने स्टेप बाय स्टेप में आपको क्या करा सारी चीजें समझाई है। अगर आई और रोमन एक्टिव मोड निकालना है आपको, आई और रोमन एक्टिव मोड निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, वाइब्रेशनल मोड्स फाइंड आउट करना होता है। वाइब्रेशनल मोड्स फाइंड आउट करना होता है इस पूरे कैरेक्टर टेबल में से, ठीक है। वाइब्रेशनल मोड फाइंड आउट क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर हमको रोटेशन मोड्स दिए होते हैं जैसे RZ, RX, RY। तो ये क्या है, रोटेशनल मोड्स तो यहाँ पर है और ये XYZ इनको ट्रांसलेशन मोड बोलते हैं। ट्रांसलेशन मोड भी हमारे पास है लेकिन हम लोगों के पास में क्या है, वाइब्रेशनल मोड्स नहीं है। तो वाइब्रेशनल मोड निकालने के लिए हमको क्या करना है, टोटल मोड्स निकालना होंगे, ठीक है ना। एक्टिव मोड्स और फिर टोटल एक्टिव मोड में से रोटेशनल और ट्रांसलेशन को माइनस करना होगा तब जाके हम वाइब्रेशन पर पहुंच पाएंगे। और एक बार वाइब्रेशन मोड्स आ जाते हैं उसके बाद आई और रोमन एक्टिव के छोटे से टिप्स होती है वो मैं बता दूंगा वीडियो के एंड में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है इसके लिए, स्टेप फर्स्ट ये होती है कि सबसे पहले अनशिफ्टेड एटम देखना होता है। ऑपरेशन कौन कौन से है, E है, C3 है, C2, σH, S3, इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड σV। यहां पर सबसे पहले अनशिफ्टेड एटम देखेंगे, अनशिफ्टेड एटम। तो अनशिफ्टेड एटम जब भी हम क्या करते हैं इसमें सिमेट्री लगाते हैं इस मॉलिक्यूल में, तो सारे के सारे एटम क्या होते हैं, सिमेट्री का मतलब कोई भी ऑपरेशन आपने नहीं किया तो सारे के सारे एटम एज इट इज रहेंगे। तो अनशिफ्टेड एटम यहां पर हो जाएंगे 4। C3 का मतलब क्या है, आपको इसको यहां से 120 डिग्री से रोटेट करना है। जब आप इसको क्या करेंगे 120 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये क्या होगा, ये अगर इसको F1, F2, F3 नाम दे दें, हम F1, F2, F3 नाम दे दें तो क्या हो जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह और ये इसकी जगह चला जाएगा। इस प्रकार के रोटेशन हो, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन एक बोरान जो है बोरान अपनी जगह से चेंज नहीं होगा। तो अनशिफ्टेड एटम कितने हो जाएंगे, 1। 4 में से 3 एटम ने अपनी स्थान इतनी पोजीशन चेंज कर ली। बात करते हैं C2 की, तो इसमें C2 कैसे लगाएंगे, C2 लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो एक्सेस है, प्रिंसिपल एक्सेस और सब्सिडियरी एक्सेस। तो जब क्या करेंगे इसको, जब आप क्या करेंगे इस एक्सेस के अलोंग क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे तो F2 और F3 क्या हो जाएगा, पोजीशन चेंज कर देगा। F2 और F3 पोजीशन चेंज कर देगा मतलब क्या है, दो एटम ने पोजीशन चेंज कर दी लेकिन दो एटम क्या हो गए, हमके अनशिफ्टेड रह गए। तो यहाँ पर अनशिफ्टेड एटम हो जाएंगे 2। उसके बाद में क्या करें, सिग्मा एच का मतलब यहाँ पर आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लें। हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लेंगे तो क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पूरा का पूरा मॉलिक्यूल में से गुजर जाता है, ठीक है। जब भी हॉरिजॉन्टल प्लेन लगाएंगे आप तो बोरान, एक बोरान, एक फ्लोरिन, दूसरा फ्लोरिन, तीसरा फ्लोरिन, ठीक है ना। और यहाँ पर आप पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन तो क्या होगा, चारों के चारों एटम क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपके अनशिफ्टेड माने जाएंगे।
वही के वही रहेंगे ना सारे, उनके साइड चेंज नहीं होगी, चारों के चारों आइटम क्या हो जाएंगे आपके, अनशिफ्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब ऐसा, अगर यहाँ पर आप प्लेन लगाते तो ये क्या होता है, डायमेंशन चेंज करते हैं, एक्स से माइनस एक्स का था, माइनस एक्स से प्लस एक्स, तो उसको बोलते हैं चेंज होना। लेकिन जब भी हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन लगाते हैं, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या होता है, उसी साइड पूरा का पूरा मॉलिक्यूल रहता है। उसके बाद S3 का मतलब इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन, इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन करेंगे तो ये सब तीनों के तीनों आइटम क्या होंगे, चेंज होंगे, एक आइटम क्या होगा आपका बच जाएगा, अनशिफ्टेड रह जाएगा। उसके बाद में क्या करें, सिग्मा वी मतलब कि वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन लगाएंगे मतलब वही यहाँ पर प्लेन लगाएंगे तो फ्लोरिन और ये F2 और F3 एक्सचेंज हो जाएंगे, और लेकिन ये दो आइटम ऐसे कैसे ही भेज जाएंगे, तो यहाँ पर दो आइटम क्या हो जाएंगे आपके, अनशिफ्टेड हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, अनशिफ्टेड आइटम क्यों निकाल रहा हूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों निकाल रहा हूँ, इसके लिए पहले पहला वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने काफी एक एक स्टेप किए, अभी मैं बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पर स्किप करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो कॉन्ट्रीब्यूशन, तो कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब ई का कॉन्ट्रीब्यूशन हमने पहले बताया था आपको, 3 होता है, C2 और C3, जब भी क्या होता है C2 C3 आता है या CN आता है, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, cos 2 cos थीटा प्लस 1, ठीक है ना, तो C3 है, तो C3 के लिए 2 into cos थीटा, थीटा कितने का हो जाएगा 3 के लिए 120 डिग्री का, तो दिस इज cos 120 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 into cos 120 डिग्री कितना होता है, -1/2 प्लस 1, तो इससे ये कैंसिल होगा, -1 और प्लस 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, 0, थैंक गॉड 0 हो गया, 0 हो जाएगा तो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में सब 0 हो जाएगा, ये एक फायदा है 0 का यहाँ पर, ठीक है। C2 की बात करें तो C2 देखो, C2 में एंगल कितना होता है, अभी C2 में एंगल होता 180 डिग्री का, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, जैसे यहां पर cos क्या रखेंगे आप, 180 रखेंगे, तो cos 180 कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, तो कितना जाएगा, -2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -1, तो आ जाएगा आपका -1। उसके बाद में क्या, सिग्मा, जितने भी सिग्मा होते हैं वो तो क्या होता है, उनका कंट्रीब्यूशन 1/1 होता है। S3 के लिए क्या है कंट्रीब्यूशन का फार्मूला, S3 के लिए भी कंट्रीब्यूशन का जो फार्मूला होता है वो SN जैसा ही, मतलब CN जैसा ही होता है, तो SN का जो फार्मूला होता है 2 cos थीटा -1 फार्मूला होता है, यहां पर प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस, सो 2 cos थीटा, 3 है, 3 का मतलब कितना, 120 cos 120 -1, सो इट इज 2 into cos 120 -1/2 होता है, सो ये -1 दैट इज इक्वल टू -2, तो यहां पर आप -2 रख दीजिए, तो ये तो क्या हो गया आपका कंट्रीब्यूशन और अनशिफ्टेड आइटम आ गया। अब क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 12 हो गया, 4 3 12, ये 0, दिस इज -2, 4 देन -2 देन 2, इसको बोलते हैं आप टोटल रिप्रेजेंटेशन, ये इसको बोलते हैं टोटल रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, तो ये आपके आ गया टोटल रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब क्या करना है, अब हमको लगाना है, इसको स्प्लिट करना है A1 A2 B1 B2 के फॉर्म में, ये जितने भी मूलकन सिंबल है इस फॉर्म में हमको क्या करना होता है, इसको स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट करने के लिए हम लगाते हैं बहुत ही एक सुंदर सा फॉर्मूला, एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, जिसका नाम है रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है, रिडक्शन फॉर्मूला बहुत कुछ नहीं होता है, रिडक्शन फॉर्मूला आपको एक नंबर मिलेगा दैट इज इक्वल टू 1/h इनटू समेशन ऑफ व्हाट, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इनटू इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इनटू n की पावर, सबकी पावर क्या होती है, x। अब ये क्या क्या चीजें हैं, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ये रहा, एक एक का रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आएगा, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले A1 का आएगा, ठीक है, तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये रहे उसके, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या रहेंगे, ये रहेंगे सारे के सारे, दिस इज इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उसका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितना, 12, उसके इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितने, तो 1, ठीक है ना, तो ये रिड्यूसिबल हो गया 12, ई हो गया 1, और ये n का मतलब क्या होता है, n यहां का कोएफिशिएंट होता है, e के आगे कितना लिखा है, e के आगे लिखा है 1, तो कोएफिशिएंट कितना होगा 1, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो बस ये होता है। और ये एच कितना, एच का मतलब ऑर्डर, तो ऑर्डर में पहले निकाल चुका हूँ कितनी 12। तो हम एक एक के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले हम किसके लिए काम कर रहे हैं, जगह कम है यहाँ पर और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, आप भी दिल थाम के बैठिएगा, कैलकुलेशन मेरे साथ साथ करते जाइए। सबसे पहले A1 के लिए निकालते हैं, A1 डैश, डैश बोले हैं, प्राइम बोले हैं, A1 प्राइम। तो 1/12, 1/h की जगह क्या लिखते हैं, h की जगह 12 इंटू 12 1 1, तो दिस इज 12 प्लस 0 1 2, तो 0 आ जाएगा। फिर माइनस 2 1 3, तो 3 2 का कितना 6, तो माइनस 6 हो जाएगा। 4 1 1 4 1 1, मतलब 4 मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तीनों संख्याओं का, है ना, 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। माइनस 2 1 2 मीन्स माइनस 4 2 1 3 मीन्स व्हाट 6, 2 1 2 और 2 3 का 6, सो इट इज 6। सो कितना आ गया, ये आ गया आपका 4 से 4 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 12 by 12 दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 का मतलब क्या होता है, इसको लिखते हैं 1 A1 प्राइम है, या फिर A1 प्राइम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये A1 प्राइम के बराबर आ गया। अब आ जाएगा A2 प्राइम। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता देना कि इसको प्राइम क्यों बोलते हैं और इनको डबल प्राइम क्यों बोलते हैं। अगर ये आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। ये भी एक CSIR में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राइम और डबल प्राइम का मूलिकन सिंबल फाइंड आउट करने को दिए जाते हैं, कभी कभी कैरेक्टर टेबल दे दी जाती है, मूलिकन सिंबल निकालने को दिए जाते हैं। चलिए 1/12 मल्टीप्लिकेशन 12 1 1 मीन्स 12 प्लस 0, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला, थर्ड क्या है, माइनस टू माइनस वन कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। 2 1 2 लेकिन माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 3 6 दिस इज प्लस 6। उसके बाद 4 4 1 1 मीन्स प्लस 4। उसके बाद माइनस 2 1 और 2 मीन्स माइनस 4 और 2 माइनस 1 3, तो 2 जैसे ही माइनस 1 के साथ जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 3 माइनस 6। सो अगेन दिस इज इक्वल टू व्हाट, 12 अच्छा 12 बाय 12 दैट इज इक्वल टू 1, सो इट इज A2 प्राइम। एक बार कर लिया वापस, ठीक है ना, ये चेक करना पड़ता है। 12 1 1 12 0 का तो 0 हो गया। उसके बाद माइनस टू मतलब माइनस 1 मतलब प्लस 2 2 3 6, सो दिस इज 6 4 1, दिस इज 4 माइनस 2 माइनस 2 1 2 मतलब माइनस 4, सो दिस इज माइनस 4 और 2 माइनस 1 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। उसके बाद बात करें किसकी, E डैश की, सो E डैश है E प्राइम। चलिए फटाफट करिए, 12 2 24 1 24 24 प्लस 0, ये 0 ने बहुत ज्यादा बड़ा काम किया हमारे लिए, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे 0, वेरी गुड, एक और 0 आ गया, तो थर्ड पॉइंट भी 0। फोर्थ 4 2 8, सो दिस इज 8। देन -2 और -1 कितना हो जाएगा, +2, मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ ना, ठीक है ना, और 2 2 4, वेरी गुड, 4
उसके बाद में टू जीरो, ये जीरो है तो जीरो लग जाएगा। तो जब भी जीरो आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। सो कितना 8 और 4 12, सो दिस इज 36/12, 36/12 दैट इज इक्वल टू 3e, ये 3 आएगा, इसको लिखते हैं 3e प्राइम। उसके बाद में यहां पर मैं लिख लेता हूं से यहां पर A1 डबल प्राइम 1/12 इनटू 1/12 इनटू 12 प्लस 0 माइनस 6 4 4 4 मतलब 113 माइनस 4 माइनस 4 A1 डबल प्राइम 1/12 इनटू 1/12 इनटू 12 प्लस 0 माइनस 6 4 मतलब 113 माइनस 4 देन माइनस 2 माइनस प्लस 2 2 4 2 माइनस 1 3 मतलब माइनस 6 और लिटिल बिट डिफिकल्ट नॉट अ मोर। माइनस 6 कितना 12, माइनस 6 हो जाएगा प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल, माइनस 6 12 माइनस का 12 और प्लस का 12 हो जाएगा 0, तो 0 के डिवाइड में 12 हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा 0। तो ये भगवान की कृपा से 0 हो गया, इससे हमको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, कैलकुलेशन में कमी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करें, बोर्ड की कमी महसूस हो रही मुझे। इसके बाद A डबल प्राइम A2 डबल प्राइम, सो 1/12, चलिए A2 डबल प्राइम मेरे साथ करिए 12 1e। अच्छा ना, आप देखेंगे तो ये वीडियो कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि इतना कैलकुलेशन कोई कर ही नहीं रहा है स्टूडेंट्स का। मेरे पास बार बार कम्युनिकेट करते हैं कि सर ये वीडियो है ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहा है, बना दीजिए, तो बना दिया स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, मैं इतना टफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं इस समय, इतना टफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप एक काम करिए, आप जब तक चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए, ताकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज आपके और दूसरे फ्रेंड्स के पास या जो भी नीडी पर्सन है उसके पास पहुंच जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, करिए आप भी कुछ काम। -1 सो थर्ड नंबर पे क्या, -2 -1 और 3, तो 3 2 6 लेकिन क्या जाएगा, माइनस माइनस है तो प्लस का 6, सो इट इज प्लस 6। उसके बाद में 4 -1 तो दिस इज -4 -2 प्लस 2 2 2 4 प्लस 4 2 1 3 मीन्स 6 प्लस 6 ये कैंसिल हो गया, 6 6 12 12 24
24 बाय 2 ये 24 6 और 6 12 हो जाएगा 12 12 24 हो जाएगा 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा सो इट इज 2 a2 डबल प्राइम नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज e डबल प्राइम 1 बाय 12 इनटू चलिए ठीक है देखिए क्या क्या है 12 इनटू 2 24 24 0 माइनस 2 जीरो हो थैंक गॉड जीरो फोर टू जा एट माइनस का एट माइनस एट माइनस टू माइनस फोर प्लस जीरो जीरो क्यों क्योंकि ये जीरो है इसको यहां से हटाइए तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका व्हाट This is minus 12, 24 में से minus 12 जाएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा 12 by 12 that is equal to 1 so it is e double prime ठीक है मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आगे चल के आपको काम आएगा अब हम क्या करें टोटल मोड निकाल लेते हैं तो टोटल मोड कितने निकल जाएंगे टोटल मोड हो जाएंगे आपके ए वन प्राइम प्लस ए टू प्राइम तो ये टोटल मोड्स आ गए आपके अब हम क्या करेंगे इसमें से वाइब्रेशन मोड्स फाइंड आउट करेंगे तो वाइब्रेशन मोड फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है बहुत सिंपल सा तरीका होता है तरीके में ज्यादा कोई दम नहीं है ठीक है बहुत आसान सा तरीका होता है वाइब्रेशन मोड फाइंड आउट करने का ये देखिए कैसे क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेते हैं ट्रांसलेशन और रोटेशन को हटा दोगे तो वाइब्रेशन निकल आएगा ठीक है ट्रांसलेशन ये रोटेशन है तो पहले मैं क्या करूं रोटेशन को लिख दूं रोटेशन रोटेशनल मोड्स तो रोटेशनल मोड्स क्या है रोटेशनल मोड्स ये होते हैं आर जेड मतलब ए 2 प्राइम आपका रोटेशनल मोड का हिस्सा है उसके बाद में क्या है e डबल प्राइम आपका रोटेशनल मोड का हिस्सा है ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन मोड्स में कौन कौन से आते हैं rx मतलब r x y z आता है तो x y किस में आ रहा है e डैश e मींस e प्राइम ये माइनस कर रहा है हमको उसके बाद में क्या है e डबल प्राइम देखिए नहीं e डबल प्राइम नहीं a2 डबल प्राइम a2 डबल प्राइम में z लिख रहा है तो ए टू डबल प्राइम में जेड तो ए टू डबल प्राइम लिख देता हूं मैं ठीक क्या कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स होता यह है कि देखिए ठीक है आर एक्स आर वाई आर जेड जहां लिखा होता है उस मूलकन सिंबल वाले पार्ट को हम बोलते हैं इट इज द पार्ट ऑफ रोटेशनल वाइब्रेशन रोटेशनल मोड्स ओके स्टूडेंट्स सो ए टू प्राइम और आपका e डबल प्राइम ये क्या है रोटेशनल का हिस्सा है तो मैंने यहां पर रोटेशनल में इन दोनों को लिख दिया ठीक है a2 डैश रोटेशनल में लिखा है और रोटेशनल में a2 डबल प्राइम क्यों लिख दिया a2 डबल प्राइम नहीं लिखना चाहिए ठीक है और ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन में क्या होता है ट्रांसलेशन में आपको x y z देखना होता है ठीक है स्टूडेंट्स x y z तो x y z देखिए x y यहां लिखा है z यहां लिखा है तो ये दो मोड क्या है आपका ट्रांसलेशन के हिस्सा है ठीक है तो ट्रांसलेशन में कौन कौन सा जाएगा ई प्राइम आ गया आपका और आपका आ गया ए टू डबल प्राइम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा वाइब्रेशन वाइब्रेशन तो वाइब्रेशन में देखिए ये तो कैंसिल हो गया आपका ठीक है ए टू डबल प्राइम चलिए सो दिस इज ए वन प्राइम ये थ्री ई डैश ई प्राइम में से एक ई प्राइम जाएगा तो टू ई प्राइम बच जाएंगे सो टू ई प्राइम प्लस ए टू टू ए टू डबल प्राइम में से एक ए टू डबल प्राइम जाएगा तो ए टू डबल प्राइम बचेगा और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके आ गया वाइब्रेशन अब निकालते हैं हम लोग आई रमन और आई आर एक्टिव मोड रमन
तो रमन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? रमन का कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको सबसे लास्ट वाला कॉलम देखना है, सबसे लास्ट वाले कॉलम में कुछ लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर तीन कॉलम में कुछ लिखा है, ये क्या है? हिस्से है किसके? आपके रमन एक्टिव नोट्स के, ठीक है ना। बशर्ते वो क्या होना चाहिए? वाइब्रेशन का भी हिस्सा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला जो है ये आपका है, लास्ट वाले कॉलम में यहाँ पर कुछ लिखा है A1, ठीक है ना। A1 वाइब्रेशन का हिस्सा है, हाँ A1 वाइब्रेशन का हिस्सा। तो A1 क्या हो जाएगा आपका? रमन एक्टिव हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी? E डबल प्राइम की। देखिए स्टूडेंट, सिंगल प्राइम, ठीक है, सिंगल प्राइम। तो ये जो ई सिंगल प्राइम है, ई सिंगल प्राइम किसका हिस्सा है? ई सिंगल प्राइम हिस्सा है ना, सबसे लास्ट वाला कॉलम में इसका कुछ लिखा हुआ है, और ये वाइब्रेशन का भी हिस्सा है। तो आपके ये दोनों जो है ई डबल प्राइम, ये आपके आ जाएंगे रमन एक्टिव। उसके बाद में बात करें इसकी A2 डबल प्राइम की, तो A2 डबल प्राइम का लास्ट वाला कॉलम खाली है, तो ये क्या होगा? रमन एक्टिव नहीं होगा। तो रमन एक्टिव मोड सही होगा आपके। अब IR की बात करते हैं। IR में क्या होता है? वाइब्रेशन प्लस ट्रांसलेशन को चेक करना होता है, ठीक है, वाइब्रेशन और ट्रांसलेशन को। तो ट्रांसलेशन देखिए, ट्रांसलेशन ये E prime वाइब्रेशन में भी आ रहा है, तो E prime क्या हो जाएगा आपका? IR एक्टिव हो जाएगा। E prime आपके क्या हो जाएंगे? IR एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन मोड से रहे हो, सॉरी ये रहे A2 डबल प्राइम। तो ये A2 डबल प्राइम जो है आपका, A2 डबल प्राइम ट्रांसलेशन का हिस्सा, और A2 डबल प्राइम किसका? वाइब्रेशन का हिस्सा। तो ये क्या हो जाएगा? IR का हिस्सा हो जाएगा, मतलब ये भी IR एक्टिव हो जाएगा। सो दिस इज All about IR and Raman active mode in D3H character table. Example बिल्कुल सिंपल सा था BF3 का, काफी एक calculation काफी सिंपल नहीं था, थोड़ा सा ठीक ठाक ही कैलकुलेशन था। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही जो डिफिकल्ट आपको जो वीडियोस लगते हैं, वो डिफिकल्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके सामने और भी अपलोड करूंगा, ठीक है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो वीडियो आप कहीं YouTube पे नहीं मिलते या कहीं आपको प्रॉब्लम आती है बुक्स वगैरह में, सो यू कैन राइट टू मी। मैं काफ़ी जल्दी उनके वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, सो नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक पढ़ते रहिए केमिस्ट्री, कहीं से भी कैसे भी, किसी बुक से पढ़िए, यूट्यूबर से पढ़िए, ठीक है, किसी टीचर से पढ़िए, ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़िए, बट पढ़ते रहिए केमिस्ट्री, इंजॉय करिए केमिस्ट्री। थैंक यू।